वसई विरार में बढ़ते प्रदूषण पर सोशल एक्टिविस्ट परदेसी कर्माकर ने उठाई आवाज। वसई पूर्व के खेरपाड़ा वार्ड क्रमांक 72 में है सबसे ज्यादा प्रदूषण। सरकार द्वारा बैन की गई प्लास्टिक थैलियों का धड़ल्ले से हो रहा है इस्तेमाल। क्षेत्रवासियों की जान से खेलकर जलाया जाता है प्लास्टिक। वसई विरार मनपा क्षेत्र में एक तरफ जहां हर ओर गंदगी का अंबार लगे रहने की बड़ी समस्या है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की समस्या भी कुछ कम नहीं है। सामान्य तौर पर गाड़ियों के धुएं व इंडस्ट्रीज की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम किए जाने की बात हर रोज होती है। अभी हाल ही में प्रदूषण के मामले पर दुनिया भर के पर्यावरणविद की बैठक हो चुकी है, जिसमें विश्व में फैलते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई गई है। इंडस्ट्रियल प्रदूषण एवं वाहनों का धुआं तो अपनी जगह है ही, लेकिन वसई विरार अंतर्गत जानबूझकर प्लास्टिक कचरा जलाकर क्षेत्रवासियों को जो गंभीर बीमारियों में धकेला जा रहा है, उसके लिए वसई पूर्व के खेरपाड़ा क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता परदेसी कर्माकर ने सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर आवाज़ उठाई है और इस समस्या की ओर वसई विरार मनपा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि मनपा प्रशासन परदेशी कर्माकर की उठाई हुई आवाज़ पर कब ध्यान देता है। वीडियो में आगे देखिए परदेशी कर्माकर का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। वीडियो के माध्यम से आप जो दिखाई दे रहे हैं आपको, कितना देखिए धुआं निकल रहा है, कितना ये प्रदूषण युक्त धुआं है, केमिकल युक्त धुआं है। ये कंपनी से निकला हुआ कचरा यहाँ डाला जाता है, उसके बाद यहाँ फेंक देते हैं, और जिसके कारण प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में पाया जाता है वो फैलते जा रहा है चारों तरफ, और ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अगर इसको रोका नहीं गया तो पशु पक्षी जलवायु सारा प्रदूषित कर रहा है, दूषित कर रहा है। इसका जवाबदारी वसई विरार महानगर पालिका का है, उन्होंने नाकाम रहा इस काम के अंदर, इसको रोकना जरूरी है। जिस प्रकार पॉलीथीन की थैली वापर हो रहा है, उसमें बिल्कुल जो कानून बनाए गाइडलाइन है बस कर रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका जहाँ भी आप जाओगे वो प्लास्टिक का कचरा आपको दिखाई देंगे। जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसको पालन बिल्कुल नहीं हो रहा, ना जैसे बराबर है। ये धुआँ जो जहरीला आपको दिखाई देते, इसके अंदर क्या क्या मिश्रण है, दूषित केमिकल युक्त यह धुआँ आपको है, और जिसके कारण मानव जीवन को, पशु पक्षियों को इसका प्रभावित हो रहा है या भुगतने पड़ रहा है, जिसके कारण भी कोई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ आपको, श्वास लेने में तकलीफ, गले में सूजन, और भी कोई प्रकार की तकलीफ हमें भुगतने पड़ रहा है। वसई विरार महानगर पालिका गाइडलाइन पे जो पालन होना चाहिए था, जो कायदा बना है उस पर अगर काम करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। इंडस्ट्री से निकला हुआ कचरा वो जलाते हैं, वो बिल्कुल पाबंदी नहीं है। जनता भी कहीं भी पॉलीथीन थैली फेंक देते हैं, जिसमें जहाँ भी आपको दिखाई देगा वो प्लास्टिक का कचरा दिखाई देंगे, जिसमें वायु प्रदूषण होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। दूषित वायु प्रदूषण है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोनाइट्रोजन ऑक्साइड, इस प्रकार ये धुआं में पाया जाता है, जिसमें मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है और धोखादायक है। अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में इसका देश को, भारत को या समाज को, पशु पक्षी को, हर एक को भुगतने पड़ेंगे। रोकना जरूरी है। मैं आग्रह करता हूँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, इसको, इस पर जो गाइडलाइन है, जो कानून बना है, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, ना के बराबर है, इसको रोकना जरूरी है। इस प्रदूषण के अनेक विषय पर मीडिया बंधु भी अनेक प्रकार के बार बार ये वो उस पर पेपर में आते रहते हैं, मगर महानगर पालिका आयुक्त अधिकारी ये नाकाम रहे, वो चुप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। मैं प्रदेशी कर्मकार वसई खेरपाड़ा वोट क्रमांक 72 एफ है, प्रभाग समिति। प्लास्टिक कचरा जलाया जाता है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का केमिकल युक्त तो भी कचरा है यहाँ फेंका जाता है। सोसाइटी का जाकर कहना है लोगों का, मगर ये जो धूल आपको दिखाई देता है धुआँ, वो सारे केमिकल युक्त तो धुआँ है। लोगों को, स्वास्थ्यों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्लास्टिक की थैली हर जगह आपको नजर आएंगे, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ प्लास्टिक ही प्लास्टिक आपको दिखाई दे रहे हैं।
इतनी ज़्यादा प्लास्टिक थैली फेंका गया है और इंडस्ट्री से बनता है, इंडस्ट्री या वसई का जो इंडस्ट्री है वहाँ प्लास्टिक का थैली बनते हैं और चोरी चुपे बेचा जाता है। और साम्राज्य टोटल वसई का जो आपको जहाँ भी नज़र आएगा वो प्लास्टिक साम्राज्य नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि किस हद तक ये थैली फेंका है और इंडस्ट्री में बनता है ये थैली, कोई और कोई बाहर नहीं है। हम जो श्वास लेते हैं वो भी दूषित है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है वसई। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण एक तो वसई है, कवाराखाना बना रखा है वसई को, सब स्वच्छता के नाम पर ढिंढोरा पीटते रहते हैं, जहाँ जाओ देखो वहाँ बोर्ड आपको नज़र आएंगे। अगर इसको रोका नहीं गया तो मानव को के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। बच्चे बूढ़े सारे इसका प्रभावित हो रहा है प्रदूषण के कारण, बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। देखिए किस हद तक कचरा का ढेर है, प्लास्टिक की थैली नज़र आ रहे। प्लास्टिक को अगर ना रोका तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये वसई प्लास्टिक की वसई बनेगा। वसई बिरा महानगर पालिका अधिकारी इसकी जवाबदार है, उन्होंने इस पर नाकाम रहे, कार्रवाई नहीं करते हैं इन पर। थोड़ा सा कार्रवाई करते प्लास्टिक रिटर्न उस दुकान में पहुंच जाते, उन्हीं का सारे मिली भगत होते हैं। मैं कहना चाहता हूं सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदेशी कर्मकार कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रदूषण का अगर रोकना है तो कार्रवाई जरूरी है होना, नहीं तो इसका परिणाम जनता को और मानव जाति के लिए गंभीर हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।